फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ होली स्पेशल क्रिस्पी लेयर्ड मटरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है, एक कटोरी मैंने आटा ले लिया, एक चौथाई सूजी ले ली है, आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच ही कलौंजी डाल देंगे और अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी क्रश कर डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसी कटोरी की एक चौथाई हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो रेडी कर लेंगे। अब ये डो रेडी हो गया है, इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। साटा बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। इसमें हम 1.5 चम्मच मैदा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर इसका क्रीमी टेक्सचर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी बन गया है, साटा अब रेडी हो गया है। डो को भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, इसे हम एक बार दोबारा से मसल कर इसे सॉफ्ट कर लेंगे। इस डो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से रोल करते हुए इसकी पतली शीट रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमें बस इतनी ही पतली बनानी है। अब इसी तरह से हम बाकी भी शीट्स रेडी कर लेंगे। अब हम एक शीट पर साटा लगा देंगे अच्छे से। के ऊपर हम दूसरी शीट रख देंगे। अब इसे हम रोल करते हुए बंद करते जाएंगे ताकि इसमें हवा ना भरे। अब इस रोल को हम कट कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसे थोड़ा सा बेल लेंगे। ये सारी मटरी हमने बेल ली है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब ये मटरी फ्राई हो गई है अच्छे से, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये हमारी क्रिस्पी लेयर्ड मटरी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।